वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल आज हम जो रिमेनिंग हमारा थर्ड चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे और जो हमारा फोर्थ है थर्ड चैप्टर है हमारा केमिस्ट्री इन इंडिया अ सर्वे एंड फोर्थ इज द हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ़ मेडिसनल ट्रेडिशन इन एंशंट इंडिया तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर थ्री हमने हाफ पढ़ लिया था हाफ के बाद आता है द क्लासिकल एज में केमिस्ट्री का कैसे uh, क्या क्या चेंजेस थे और कैसे इवोल्यूशन हुआ था आलकेमी इन इंडिया अमस्ट अराउंड द मिड फर्स्ट मिलियनम सी ई ड्यूरिंग द गुप्ता एम्पायर इंडियन आल्मी शून टुक अ स्टैम्प ऑफ़ इट्स आउन इट वॉज वेरियसली कॉल्ड। आलकेमी को क्या क्या नाम दिए गए थे रसाशास्त्रा रसा विद्या एंड धातुविदा द वर्ड रसा हैज मैनी मीनिंग सच एज एशेंस टेस्ट सैप जूस और सेमन बट इन दिस कंटेस्ट रेफर टू मरकरी सीन एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स रस रस का मतलब ऐसे तो जूस होता है लेकिन यहाँ पे उस रस इज रेफर्ड एज मरकरी मर्करी वॉज आइडेंटिफाइड विद द मेल प्रिंसिपल दैट इज शिवा वाइल सल्फर सल्फर दैट इज गंदका वॉज एसोशिएटेड विद फीमेल प्रिंसिपल शक्ति एंड Most alchemical texts were presented as a dialogue between Shiva and Shakti. After that, the Rasa Sastra discuss many chemical substances and their interaction. Some, some of them are first is Maharasas, Maharasas or eight major substances. Tourmaline, Tormaline, copper pyrite, iron pyrite, butamine, copper sulphate, zinc carbonate and mercury. दीज आर द एट महारस आफ्टर दैट उपारस और एट माइनर सब्सटांसिस दैट इज सल्फर रेड और की आयरन सल्फाइड, एलम, और पीमेंट रेलगार कोरेलम एंड टिंट स्टोन और कैस्ट्रेट ये हमारे उप रस थे और माइनर सब्स्टांसिस थे आफ्टर दैट नवरत्स और नाइन जैम्स इंक्लूडिंग पर्ल टॉप्स एम्बरल्ड रूबी सफायर एंड डायमंड आफ्टर दैट धातुज और मेटल्स सेवन मेटल्स कौन से कौन से थे गोल्ड सिल्वर कॉपर आयरन लेड टिन एंड जिंक अ फ्यू एलॉयज एलॉय क्या होता है मिक्सचर ऑफ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ वन और मोर देन वन मेटल्स ब्रास ब्रोंज एंड कम्बिनेशन ऑफ फाइव मेटल्स विच आर इंक्लूडेड लाइक पॉइजनस एंड प्लांट्स पॉइजन मीन्स विश मर्क कार्ड अमृता धातु और इमोर्टल इमोटल मतलब विच कैन बी डिस्ट्रॉय मरता नहीं है अमर यू कैन से दैट इमोर्टल क्लेम्स ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ गोल्ड आउट ऑफ बेस मेटल्स एक्सटेंड टू रिसेंट टाइम्स सच एज नाइनटीन फोर्टी वन डेमोन्स्ट्रेशन रिकॉर्डेड ऑन ए मार्बल स्लेब एट डेलीज लक्ष्मीनारायण टेम्पल आफ्टर दैट लेबोरेटरी और अपरेटर्स का कैसे यूज था और कैसे कैसे थे हमारे उस टाइम पे ऑपरेटर्स बिसाइड मोटर्स मोटर्स जो स्टोन एंड आयरन की होती थी एंड पिस्टल्स पेस्टल बेलोस टू हीट द फर्नेस सीवीज पैंस टोंग सीजर्स एंड अर्दन और ग्लास वेसल्स द एपरेटस इंक्लूडेड स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट इंजीनियसली डेवलप्ड फॉर हीटिंग स्टीमिंग डिस्टिलिंग एंड ट्रिटरेटिंग और एक्सट्रैक्टिंग सब्सटांसेज तो कौन से कौन से हमारे पास उस टाइम पे एपरेटस थे जैसे कि उनमें से कुछ एपरेटस के यूज क्या क्या थे फर्स्ट इज मूशा यंत्रा or crucible usually made up of white clay or of the earth of an ant hill mixed with rice husk iron dust chalk etc such crucibles would have various shapes and sizes depending on their applications second is Kosti yantra for extraction of essence of metals besides the metals the vessel would be filled with charcoals next is vedhani swadhani yantra vedhani yantra a big earthen vessel used for steaming next is the dhola yantra in which a pot is half filled with the liquid and a suspended substance absorbs the liquid vapors next is the patana yantra for sublimation or distillation the dupayantra yantra for fumigation of gold leaves or silver foils विद द फ्यूम्स ऑफ सल्फर और अदर सबस्टांसिस आफ्टर दैट चैप्टर फोर हमारा आता है हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ मेडिसनल ट्रेडिशन इन एंशियंट इंडिया जो मेडिसनल ट्रेडिशन था उसका कैसे इवोल्यूशन हुआ हमारे एंशियंट इंडिया में देर इज दिन एविडेंस दैट अर्लिएस्ट टेक्स बुक्स ऑफ आयुर्वेदा आर चरा का समिता देट इज जर्नरल मेडिसिन शुश्रा समिता देट इज सर्जरी And Kasapya Samhita, that is pediatrics, were edited and revised several times over a thousand years. Around the 6th or 7th century CE, the renowned physician Vagabhatta compiled the special, specialized knowledge of eight branches of Ayurveda. Eight branches are general medicine, surgery, ophthalmology, DNT, dentistry. जी रिजोन मेडिसिन एंड रिप्रोडक्टिव मेडिसिन इन टू वन कम्पोडियम लार्जर कम्पोडियम लार्जन वर्जन इज अस्तांगा सम्रहा एंड द शॉर्टर वर्जन इज अस्तांगा हरदया। द ट्रेडिशन ऑफ सर्जरी फादर ऑफ सर्जरी कौन है हमारे शुश्रुता द ट्रेडिशन ऑफ़ सर्जरी इन आयुर्वेदा हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री रिसर्चर्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मसूरी कोलम्बिया डिस्कवर्ड दैट फिजिशियन इन ancient इंडिया had developed टेक्नोलॉजी टू ड्रिल टीथ्स एंड रिमूव डिके 8,000 to टू years ago. जो आपके टीथ्स हैं आपने देखा आप लोग डेंटिस्ट के पास जाते हैं आपके अगर टूथ डिके हो जाता है तो ड्रिलिंग से आपके टूथ को क्लीन करते हैं तो उस टाइम पे अप्रॉक्सीमेटली एट टू थाउजेंड ईयर्स अगो भी ऐसी ही हमें कुछ उम, आप कह सकते हो एविडेंस मिले स्टडी ऑफ फॉसिल्स फ्रॉम मे ग्रह नाउ इन पाकिस्तान रिवेल्ड टाइनी होल्स ड्रिल इन टू ऑन द बाइटिंग सरफेस ऑफ मेल मोलार्स आपको पता है हमारे माउथ में फोर टाइप के टीथ्स होते हैं इन सीजर मोलर्स एंड प्री मोलर्स एविडेंसिस हैजऑलो बीन अर्थ Unearthed from Harappa and Lothal, revealing an ancient surgical practice on a bronze skull age, on a bronze age skull dating back to early 4300 years ago. Tree a common means of surgery practiced in prehistoric societies starting with the Stone Age, involved drilling or cutting through the skill. स्कल वॉल्ट ऑफन टू ट्रीट हेड इंजरी और टू रिमूव बोन्स स्प्लिंटर्स और ब्लड क्लोथ्स कॉज्ड बाय द ब्लो टू द देंड तो जो हेड सर्जरीज हैं हमारी वो उसका भी कुछ एविडेंस हमें मिला द कंपोडियम ऑफ सुश्रुता डिस्क्राइब्स हंड्रेड ऑफ शार्प एंड ब्ल्ट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड मैनी ऑफ दैम रिजेंबल इंस्ट्रूमेंट्स यूज बाई सर्जन्स टूडे सुश्रुता इज रिकोगनाइज फॉर हैविंग डवलप्ड इनोवेटिव सर्जिकल प्रोसिजर्स लाइक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द नोज और राइनोप्लास्टिक थ्रो द प्लास्टिक सर्जरी द इंडियन राइनोप्लास्टिक टेक्निक वॉज रीडिस्कवर्ड बाय वेस्टर्न मेडिसिन इन एटीन सेंचुरी वैन द ईस्ट इंडिया कंपनी सर्जन थॉमस क्रूसो एंड जेम्स फिनले विटनेस्ड इंडियन राइनोप्लास्टी प्रोसीजर्स एट द ब्रिटिश रेजिडेंसी इन पूना आफ्टर दैट मेडिकल जेनेटिक्स इन आयुर्वेदा इन चराका समिता वन कम अक्रॉस द अर्लीस्ट रेफरेंस टू जेनेटिक बेसिस ऑफ डिसीज जेनेटिक डिजीज कौन वो होती हैं विच Uh, are transferred from one generation to another generation from their parents to their sons or daughters or their you can say young ones charaka points out that the reproductive element is composed of seeds which is known as bija which are further divided into parts that is bija bhaga inoculation for smallpox Smallpox ki vaccines that were discovered by Edward Jenner. In the eighteenth century, British officials and travelers observed and documented the practice of inoculation for smallpox, which was in voyage, voyage in Indian in India centuries before vaccination was discovered by Edward Jenner. Microbiology and parasitology. There are references to microbial life in textbooks for medicine like Charaka Samhita dating back to several centuries before the common era. Lower life forms are classified into two that is, pathogenic and non pathogenic. That time, pathogenic are considered to be very small organisms which cannot be seen with naked eyes. Communicable disease and epidemics. Sushruta Samhita describes communicable disease and explains that disease can be transmitted from one person to other by close contact through air sharing of clothes sleeping together and so on so fumigation is a method which is used to prevent infectious disease from spreading चरा का शमिता डिवोर्स एंड एंटायर चैप्टर टू एपिटोमोलॉजी एंड प्रिस्क्राइब मेथड टू प्रिवेंट एपिडेमिक्स एज वेल एज मैनेज द आउटब्रेक ऑफ एपिडेमिक्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ किंग अशोका एंड एफिशियंट पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम वॉज एस्टेब्लिश सो किस टाइम पे एक प्रॉपर हेल्थ केयर सिस्टम एस्टेब्लिश किया गया था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ किंग अशोका and evolving pharmacopoeia the evolution of ayurvedic pharmacopoeia represent a continuous and unfinished quest for discovering new medicines from natural resources about 1500 medicinal plants have been described and formulated into thousands of medicine in tradition of ayurveda the branch of medicine specializing in the use of minerals and metals known as rasa sastra, developed and established itself, especially in the north India. The older tradition of urban herbal medicines continued to be practiced in India's southern states. After that, cross cultural interactions, Ayurveda benefited from cross-cultural interactions and spread out of India into neighboring countries like China, Sri Lanka, Tibet, Thailand and Indonesia. Buddhism played a major role in spread of Ayurveda outside India, that is Buddhism played a major role in spread of Ayurveda, when Alexandra the Great invaded India in 1325 BCE. He was so impressed by the snake bite healers and Ayurvedic physicians that he invited them to Greece. The important textbooks of Ayurveda like Charaka Samhita, Shushruta Samhita and Ashtanga Hardaya were translated into which language? Tibetan, Persian, Arabic languages in Middle Ages. In 8th century CE, a treatise devoted exclusively to diagnostics was composed by Madhava, known as Madhava Nidana. In the 11th century, a new treatise was composed on dietetics by Vishwanatha Sena called Pathaya Pathaya Vinisaya. In the 13th century, the Shrang. गधारा समिता वॉज कम्पोज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ फार्मेसी एंड फार्मानाटिकल्स प्रोवाइडिंग द फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ साइकोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन सो यह आपके थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर था थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स